लोग जो इसमें विनिंग होती है उसको रिडीम करना चाहते हैं और रिडीम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करने वाला हूँ, सीधा एक लफ्ज़ में बोल देता हूँ, रूल चेंज हो चुका है। ठीक है ना, कि जब ऐप नहीं होती है तो वो पैसे लुटाती है और फिर उसके बाद जानते हो वो अपना फ़ायदा बनाती है। ठीक है, तो पहले जो मैंने वीडियोज जो डाले हुए हैं, जो उस टाइम ये मेरे जो वीडियो चल रहे हैं उस टाइम की अगर बात करूँ, उस टाइम जो विनिंग पैसा था पूरा का पूरा पैसा आप निकाल सकते थे, उसको रिडीम कर सकते थे पहले गोल्ड में, गोल्ड से पैसे में, रुपए में। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अगर आपको, जैसे कि मेरे पास 77 विनिंग में पड़ा हुआ है, मैं अगर इसको रिडीम करने के लिए जाऊँ, ठीक है, रिडीम करने के लिए अगर जाऊँ तो यहाँ पर मुझे जो है गोल्ड बाई करना पड़ेगा, गोल्ड बेचना नहीं पड़ेगा, गोल्ड बाई करना पड़ेगा। और उसमें कुछ मतलब कुछ क्या, 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये, इसी हिसाब से जो है वो यूज़ हो रहा है। आप इसमें देख लो, शायद 5%, हाँ शायद 5% ही जो है वो यूज़ आप कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। क्योंकि अगर इसमें आप गोल्ड खरीदते हो फिर वही गोल्ड आप बेचते हो तो 10%, तो 10% तो ऐसे ही कट जाता है। तो यहाँ पर खरीद के आप कोई बेनिफिट तो करने वाले हो नहीं। तो अगर आपके पास रुपये पड़ा हुआ है कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप सोच सकते हो कि सोने का दाम अगर बढ़ा फ्यूचर में तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बाई कर सकते हो, पर इन सब ऐप में भरोसा करना उतना अच्छा भी नहीं है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में गोल्ड बाई करना ही है तो जाके फिजिकली जाके बाई कर लो यार। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बस इंस्टॉल किया, ये किया, वो किया, पैसे कमा लिया, तो वो अब इस ऐप में आप नहीं कर सकते हो। तो टाटा बाय बाय, हो चुका है इस ऐप का।